हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको हमारे इस उपासना फैशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक बच्चों की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बच्चों का नहीं, बड़े लोग भी इसे खा सकते हैं। ठंडे का मौसम है इसलिए गार्लिक खाना हेल्थ के लिए ज़रूरी रहता है। इसलिए मैं आज गार्लिक और बटर से गार्लिक ब्रेड बनाना सिखाऊंगी। गार्लिक ब्रेड आजकल ट्रेंड में है, जो भी बच्चों से सुनिए गार्लिक ब्रेड चाहिए। सैंडविच का ट्रेंड था, अभी गार्लिक ब्रेड का। मेरा बेटा तो डेली गार्लिक ब्रेड ही मांगता है, मम्मी आज गार्लिक ब्रेड, आज गार्लिक ब्रेड देना। इसलिए मैंने सोचा कि गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ तो ये वीडियो मैं अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है। फ्रेंड्स, ब्राउन ब्रेड हेल्दी होता है। आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रेड आ गए, बहुत वैरायटी के, बट ब्राउन ब्रेड हेल्दी होता है, इसलिए आप लोग भी ब्राउन ब्रेड ही ट्राई करें। तो ये मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है। ये घर का बना हुआ बटर मैंने लिया है। आप चाहे तो अमूल का बटर आता है, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये गार्लिक को छील के और इसको क्रश कर लिया है, और ये पेपर पाउडर है। पेपर पाउडर भी हेल्दी होता है। अब मैं बटर में सब कुछ मिक्स करूंगी। साल्ट डालूंगी, अपने अंदाज से डालिए, जैसे आप लोग, जैसे आपको टेस्ट हो। गार्लिक एंड पेपर पाउडर, अच्छे से मिक्स कर ले इसे खूब। मार्केट में गार्लिक ब्रेड खाइए तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। आप घर में बना के बच्चों की पसंद को पूरा कर सकते हैं। मैंने ये ब्रेड को लिया है। आप चाहे तो, आपके बच्चे अगर साइड वाले नहीं खाते तो आप साइड से कट कर दीजिए, और अगर खा लेते हैं तो साइड से कट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसे इसके साइड्स कट कर लिए। अब इस पे मैं बटर लगाऊंगी। दोनों साइड लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें बटर गार्लिक का जो मिक्सचर बनाया था वो ब्रेड में लगा लिया। अब मैं इसे सेकूंगी। इसके लिए नॉन स्टिक पैन को मैंने गैस पे चढ़ाया है गर्म होने के लिए। मेरा तवा गर्म हो रहा है। थोड़ा बटर मैं इस पे भी ये कर देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ ताकि चिपके नहीं। मैं अपने ब्रेड स्लाइस को गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, ना ज्यादा तेज और ना ज्यादा कम। इसे ब्राउन होने तक सेकेंगे तो लहसुन भी पक जाएगा, कच्चापन नहीं आएगा लहसुन का। मैं ट्राई करती हूँ ब्राउन हुआ कि नहीं। ये देखिए ब्राउन हो गया है बहुत अच्छे तरह से। दूसरी साइड से भी ब्राउन कर लूँगी। गार्लिक बिल्कुल ही पक गया, अच्छा स्मेल आ रहा है गार्लिक का। दूसरी तरफ भी पक ही गया, दूसरी तरफ भी रेडी हो गया। मैं इसे निकाल लूँगी और दूसरे ब्रेड को भी सेम ऐसे ही तवे पे, इसको भी ब्राउन होने तक। देखिए फ्रेंड, ये मेरा गार्लिक ब्रेड बनके तैयार है। अच्छी खुशबू आ रही है। फ्रेंड, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट में अवश्य लिखिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और रेसिपी बताइएगा। आप ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को खिलाइए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो उपासना फैशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।